नमस्कार दोस्तों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नई क्लास के साथ। हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ये आपके किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगा, तो जो लोग यूपीपीसीएस मेंस दे रहे हैं, यूपी मेंस 18 दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा के लिए हम इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे जो इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जा सकते हैं। जितने भी प्रश्न है, संभावित प्रश्नों को भी हमने लिया है जो पहले पूछे जा चुके हैं और अभी पूछे जाते हैं। दूसरा, जो यूपी प्री दे रहे हैं इस बार 2019 के लिए, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण होने वाला है। ये 30 से 35 क्लास में हम पूरी भारत की, जो पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से, ये देख लीजिए आपको, सॉरी हम सिलेबस देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन के लिए। इससे पहले आपको सिलेबस समझाया गया है एक बार, लेकिन आइए हम फिर से देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या क्या होगा फर्स्ट पार्ट में। तो पहले पेपर पे हम आएंगे, मुख्य परीक्षा के लिए हम देख लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम इसको भारत और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मुख्य परीक्षा में, वो क्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पढ़ना है, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के विशेष संदर्भ में। तो इस यहाँ से ये पहला, ये पूरा टॉपिक आपका कवर होगा, और इसके लिए हम अलग से एक सीरीज चलाएंगे। ये पूरी जो सीरीज होगी वो 4.1, 4.2 के आधार पे चलेगी। जो 1.1 है वो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है, उसके लिए आप लोग देख लें। 2.1 चल रहा है वो हमारा मॉडर्न इंडिया के लिए चल रहा है, और 3.3 से जो भी सीरीज चलेगी वो हमारा इकोनॉमी के लिए है। और इसकी हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं, ये हमको पढ़ना किसमें है, फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा पढ़ना है। भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उसकी संभाव्यता, ये करंट का टॉपिक रहेगा इसमें। मानव प्रवास, ये प्रयास नहीं है प्रवास है, माइग्रेशन के बारे में बात करना है। विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संबंध में, जैसे कि आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या शरणार्थी समस्याएं हैं, जो खास करके रोहिंग्या समस्या है या कश्मीर से जो पलायन हुआ है भारत में, उसके बारे में हम देखेंगे। जनसंख्या एवं अधिवास एवं प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीय नगरीकरण, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए फिजिकल, ये ज्योग्राफी हम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हम पढ़ाने जा रहे हैं। इतिहास, संस्कृत, कला, साहित्य के बाद भी जो उत्तर प्रदेश के भूगोल का ज्ञान है, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु, मिट्टियां एवं वन है, इसके लिए हम अलग सीरीज बनाएंगे। यूपी स्पेशल सीरीज हमारी चलेगी अगले 10 दिन के बाद, हमारे यूपी स्पेशल पे सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, खास करके हम कौन सा पॉइंट कवर करेंगे उसके बारे में हम देख लेंगे। जो पहला टॉपिक है ज्योग्राफी का, विश्व के प्राकृतिक प्रमुख संसाधन जो है वो भारत के विशेष संदर्भ में और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। आज हम भारत से एक सामान्य परिचय के रूप में 3-4 मेंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और कम से कम आपके 30 से 40 प्रश्न होंगे। इसके आधार पे हम टेस्ट भी बनाएंगे जो आपको निःशुल्क ही मिलेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत को, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय हम एक ले लें। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछ भी सकता है मुख्य परीक्षा में, और सामान्य जानकारी के लिए आपको पता भी होना चाहिए। भारत का उत्तरी विस्तार जो है वो 8 degree 4 minute लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में से लेकर के 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है, हुआ है। कर्क रेखा भारत को लगभग ठीक आधे से विभाजित करती है, तो कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंटरेक्टिव करिए थोड़ा वीडियो को, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा।
ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, हम सभी टॉपिक पे मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी सारी वीडियोस आपके लिए फ्री रहेंगी। जो लोग पीडीएफ चाहते हैं वो हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस के लिए हमने 400 प्रश्नों की फ्रेमिंग बनाई है, वो अभी काम चल रहा है उस पर, लेकिन कुछ तैयार है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम भेज रहे हैं। एस्से पे हमारा बहुत अच्छा काम है, जो लोग हमारे एस्से के वीडियोस आप हमें आई बटन पे मिल जाएगा या लास्ट में आपको दिखेगा आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग, उसमें 7-8 वीडियो हमने बनाए हुए हैं कि कैसे लिखें आप एस्से। उसकी फ्रेमिंग आपको चाहिए तो उसका प्राइस जो है 500 ही है। इसमें आपको 30 एस्से अभी मिल जाएंगे और बाद में आपके 20 एस्से और हम ऐड कर देंगे 15 मई तक। और भी हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रोग्राम चल रहा है, जो आपको ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8880291 3517 पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो लगभग आधे भाग पे विभाजित करती है कर्क रेखा। कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि कितने राज्य गुजरते हैं। भारत को उपमहाद्वीप कहने के पीछे निम्न तर्क हो सकते हैं और उन तर्कों को देखते हैं। अगर हम विविधता की दृष्टि से देखें तो हिमालय के अधिकतर भाग साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। हिमालय के दक्षिण में विश्व का सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक से बना गंगा का मैदानी भाग है। भारत में पश्चिमी भाग से में थार जैसे रेगिस्तान है, वहीं पूर्वी भाग में मानिसराम और चेरापूंजी वाले जैसे वर्षा से भरे हुए, मतलब जहां पे भारी वर्षा होती है वहां वो ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्थान हैं जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस विविधता को देखते हुए भारत को उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। एक उपमहाद्वीप की जितनी विशेषताएं होती हैं, समुद्र से घिरा होना चाहिए, उसकी क्लाइमेट अलग होनी चाहिए, लगभग हर तरीके की क्लाइमेट वहां पाई जाए, तो ये सारे गुण हैं इसमें। डाइवर्स लोग हो, डाइवर्स क्लाइमेट हो, डाइवर्स फॉरेस्ट हो, डाइवर्स वहाँ पे एग्रीकल्चर हो, डाइवर्स मतलब कि बहुत सारे जो भी जितने भी गुण होने चाहिए एक कॉन्टिनेंट के, वो भारत पे है। भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसका नाम जो है एक ओशन पे रखा गया है, हिंद महासागर पे। हिंद महासागर इसको तीन तरफ से घेरता है। तो ये सारे गुण हैं, ये कुछ पॉइंट लिख करके हम ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। भारत के संबंध में कुछ प्रमुख जानकारियां हैं, सामान्य जानकारियां, उनके बारे में हम देखते हैं कि सबसे उत्तरी छोर पे इतना डिग्री है 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्दर्न है। ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में ही पड़ेगा हमेशा। ये लेटिट्यूड इसका लैंगिट्यूड जो है नॉर्थ और ईस्ट ही रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा जो देश है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो इसका सबसे जो ईस्ट जो पूर्वी हिस्सा है उसको 97 डिग्री 25 मिनट पे है और सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पे है और सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है। तो ये हमारे इसकी लोकेशन है, ये है भारत। यहीं से ऐसे आप बना सकते हैं ये सारी चीजें, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये पूरा इंडिया है, इसकी डायरेक्शन नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, ये लोकेशन होगी हमारी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां स्थान है। आप उनका क्रम हमें बता सकते हैं, क्रम आगे वैसे बताया गया है लेकिन क्रम को हम देखेंगे तो रुक चीन अब आया भारत एक फार्मूला है, सभी को याद कर लेना चाहिए। जो लोग नए हैं, काफी तैयारी में नए आ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, लगभग 90% लोगों को रुक चीन अब आया भारत, आया भारत। तो रूस हो जाएगा पहले स्थान पे, सबसे बड़ा है इसका एरिया। इसका एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कई दहाई सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, एक करोड़, 70 लाख, 75 हजार किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है रसिया की, रसिया का क्षेत्रफल, कनाडा का उसके बाद है, फिर चीन आता है, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा भारत है। भारत की सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। इसमें अगर समुद्री सीमा जोड़ दिया जाए 7,516 किलोमीटर,
ये सारे डेटा आप लोग कहीं पे नोट कर सकते हैं। जो लोग पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो ये निःशुल्क सेवा आप लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। जो लोग नए तैयारी में हैं वो जरूर वीडियो देखें, बार बार देखने से चीजें याद होती हैं। 22,716 किलोमीटर इसकी टोटल बाउंड्री है, अगर हम ऐड कर दें ओशन बाउंड्री को भी। तो भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, 4, 5, 6, 7 सात देशों से लगती हैं। बांग्लादेश, चीन, भूटान भी है इसमें, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की स्थायी सीमा के बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा सीमा कहां से लगती है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न। ये 4,096 किलोमीटर ये मैक्सिमम है, ये बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद चीन का नंबर आता है 3,917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,310 किलोमीटर, नेपाल 1,752 किलोमीटर, म्यांमार 1,458 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है 80 किलोमीटर की, और इनके बीच की जो रेखाएं हैं उन रेखाओं का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न इस पे क्या क्या बन सकते हैं जिसके उत्तर हम आगे देखेंगे, जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का अधिकतर भाग, मतलब कि 2/3 भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, फिर भी भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता है तो भारत में शीत ऋतु की जलवायु, भारत में जलवायु कैसी होती, शीत ऋतु की जलवायु कैसी होती, तो इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे हम आगे देखेंगे। ये भारत है, भारत का नक्शा है, इसके बारे में हम, ये सही है कि भारत का लगभग 2/3 भाग कर्क रेखा के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहने के निम्न कारण हैं, जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर हम देख सकते हैं। भारत के उत्तर में प्राकृतिक सीमा के रूप में पर्वत है जो उत्तर से आने वाली ध्रुवीय हवाओं को रोक लेती है, जिसके भारत के शीतोष्ण जलवायु का विस्तार नहीं हो पाता है। ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं की प्रधानता के कारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का विस्तार होता है। तो ये पहला रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन हम देखेंगे, भारत में ज्यादा समय आसमान साफ रहता है जिससे पर्याप्त सूर्यतप मिल पाता है, ये भी एक कारण है। चौथा कारण है, यदि भारत में कुछ पर्वतीय भागों को छोड़ दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय फसलों की प्रधानता होती है। उष्णकटिबंधीय फसल कौन कौन सी होती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य संबंध जेट स्ट्रीम तथा पश्चिमी विक्षोभ से है, चर्चा कीजिए। तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा गया है, उसकी आप इस तरीके से, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऐसे आती है, इसको हम एक मैप के आधार पर समझेंगे। ये हिमालय है, हिमालय के बाद ये भारत की स्थिति है, शीतकालीन वर्षा यहाँ पे होती है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में। तो आइए शुरू करते हैं, इसके उत्तर को देखेंगे। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल की वर्षा का संबंध पश्चिमी विक्षोभों से होता है जो भूमध्य सागर में पैदा होते हैं और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के साथ भारत तक पहुंचते हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपके ठंडी के महीने में फरवरी मार्च में जो वर्षा हुई है वो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ के कारण जो होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के ही कारण होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। जेट स्ट्रीम की यह शाखा शीतकाल में दक्षिण की तरफ खिसक जाती है और हिमालय से टकराने के कारण इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, और दक्षिण शाखा हिमालय के दक्षिण से होती हुई जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक दो शाखाओं में बस बढ़ जाता है, जो मैप है जो मैंने अभी यहाँ पे बढ़ाया है, तो ये एक इधर चली जाती है और एक इधर आती है। ये जब आती है तो भूमध्य सागर से कुछ मॉइस्चर लेके आती है, जब ये पर्वतों से टकरा करके यहाँ पे वर्षा करती है। तो आगे देखेंगे जेट स्ट्रीम की यह शाखा, ये तो हो गया। शीतकाल की वर्षा की मात्रा हिमालय की तलहटी से में अधिक होता है और पश्चिम से पूर्व की तरफ घटता जाता है। जब यह दिल्ली से पटना की तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसकी मॉइस्चर कम हो जाएगी, वर्षा की क्षमता भी कम हो जाती है। यह वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रबी और खरीफ में क्या अंतर होता है, कौन कौन से मौसम में उगाई जाती है, कब काटी जाती है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे जब हम फसल चक्र पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीजों को देख भी लेंगे, रबी की फसल कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, और कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी की फसल में आती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसल में आती है, कौन कौन सी फसलें हैं जो जायद की फसल, जायद के सीजन में बोई जाती हैं और जायद फसलें बोली जाती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ कुछ विवादित मुद्दे हैं। जब हम सीमा पढ़ते हैं तो सीमा से संबंधित विवाद जो भारत का पाकिस्तान के साथ है, भारत का
चीन के साथ है और भारत का बांग्लादेश के साथ है, उसके बारे में हमें जरूर पढ़ना चाहिए। ये हमारे सिलेबस में भी है, लैंड बाउंड्री जो सीमा सीमांत के बारे में हम लोग देखते हैं, वो पूरा टॉपिक ही हमारे हमारे मेंस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है। और प्रारंभिक परीक्षा में डोकलम विवाद पूछा जा सकता है, सरक्विक विवाद पूछा जा सकता है, सियाचिन विवाद पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला विवाद हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ क्या क्या विवाद हुए हैं, उसमें पहले नंबर पे है सरक्रीक विवाद। क्रीक किसे कहते हैं, इसको हम फिजिकल में चूंकि पढ़ेंगे, क्रीक किसको कहते हैं, मार्स किसको कहते हैं, झील किसको कहते हैं, खाड़ी किसको कहते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप अगर आपको किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। यह भारत के गुजरात प्रांत एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक स्थान है जो कि प्राकृतिक संसाधनों तथा समुद्री संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये विवाद में क्यों है? भारत चाहता है कि सरक्रीक का मध्य भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बने, जबकि पाकिस्तान की यह मांग है कि सरक्रीक के पूर्वी भाग को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाए, जिससे वह स्थान सीमा विवाद का विषय बना हुआ है। क्यों मानता है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में नहीं, ये 9 जून 19 जून 2012 की बात है को भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता बिना किसी समझौते खत्म हो गई, जिसमें यह कहा गया कि 96 किलोमीटर का भूभाग आज भी विवाद का विषय है। और इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है, यह बस सिर्फ बाउंड्री को लेकर के है कि भारत उसको झील मानता है और चाहता है कि जो झील या समुद्री के एरिया में 12 नॉटिकल मील के, या अगर 12 नॉटिकल मील से अगर कम है तो बीच से ले रेखा जानेगी, लेकिन पाकिस्तान इसको झील मानता ही नहीं। तो ये विवाद बना हुआ है और विवाद लगातार बना रहेगा, क्योंकि दोनों देशों में सहमति होने वाली नहीं है। सियाचिन विवाद। सियाचिन लगभग 5,800 मीटर ऊंचाई पर, 75 किलोमीटर लंबा और लगभग 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा एक ग्लेशियर है, जिसका औसत तापमान हमेशा ऋणात्मक रहता है। सामरिक दृष्टि से भारत पाकिस्तान दोनों के लिए स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन और पाक को मिलाने वाला यह एकमात्र स्थल है जहां से रास्ता हमेशा चाहता है चीन मिल जाए। इसके पास से गुजरता है जो पाकिस्तान चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। 1972 ईस्वी में शिमला समझौते के तहत जो नियंत्रण रेखा खींची गई NZ9049842 ग्रिड तक ही खींची गई, विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने कुछ पर्वतारोहियों को वहां जाने से, क्योंकि वहां पे माउंटेनियरिंग होती है, वो पर्वतारोहण होता है, तो उसके आधार पे बीच में बार बार पाकिस्तान उस पे अड़ंगा लगाता है, बार बार रोक देता है, को जाने की अनुमति नहीं दे दी दी थी। तो मानचित्रों में इसके भाग की पाक में दिखाया गया, उसने अपने मानचित्र में भी इसको दिखाया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1985 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और NZ9842 के उत्तर में अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया, वहां झंडा भी गाड़ दिया है भारत ने, जिसे साल्टारो कहते हैं। साल्टारो पूछा जाएगा, ये भी एक ग्लेशियर है। और वर्तमान में स्थिति यह है कि सियाचिन का उत्तरी हिस्सा काराकोरम में जो पड़ता है भारत के पास है, पश्चिम का कुछ भाग पाक के पास है और इसका कुछ भाग चीन के पास भी है। ये विवाद का मुद्दा होता है और हमारे सैनिक जो है वहां विकट परिस्थितियों में, जो कि हमेशा तापमान वहां पर ऋणात्मक होता है, फिर भी वहां पर ना समय व्यतीत करते हैं। इस मुद्दे ने हाल ही में चर्चा में आया जब पाकिस्तान ने 140 सैनिकों की, तो ये 2012 की घटना है, 2012-13 की घटना है, बर्फ में दबकर मृत्यु हो गई। दोनों ही देशों के सैनिक यहाँ बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इसको देखते हुए दोनों ही सरकारों द्वारा सैन्य मुक्त करना चाहती है, लेकिन विश्वास की कमी के कारण अपने दोनों सैनिक हटा नहीं पाते हैं और ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये मुद्दा है सियाचिन का। भारत के संबंध में हिंद महासागर का महत्व, तो ये पूछ सकता है मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो है हिंद महासागर, जो कि उसको कई तरफ से घेरता है, उसका क्या क्या महत्व हो सकता है अपने सामरिक महत्व के लिए, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक और वैदेशिक संबंधों के लिए क्या क्या महत्व रख सकता है। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के आधार पर हुआ है। यह अपने आप में ही भारत की प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है। हिंद महासागर भारत के लिए भू राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही भी महत्व रखता है, जिसे निम्न रूपों में देख सकते हैं। तो इसको प्रश्नोत्तर फॉर्म में हमने लिखा है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थित को उसे दो भागों में विभाजित करती है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर। भारत की तटीय रेखा हिंद महासागर की कुल तटीय रेखा का 15% है निर्माण करती है, और प्राचीन समय से ही इस तटरेखा के सहारे भारत के मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका के साथ
सांस्कृतिक अंतःक्रिया रही है। हिंद महासागर के क्षेत्र में लगभग 36 तटीय क्षेत्र हैं तथा 11 पृष्ठभूमि देश हैं। ये सभी देश विकासशील हैं, जो कि वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% व्यापार हिंद महासागर से ही होकर होता है। सोच लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इसका लगभग 100% जो है ट्रेड जो है वो हिंद महासागर से होता है। भारत के कुल खनिज तेल संसाधन का 63% समुद्री क्षेत्र से ही आता है। भारत की अनेक तटीय क्षेत्र में लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर पे ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ईईजेड क्या होता है और ईसीजेड क्या होता है, का विस्तार है जिसमें समुद्री संसाधन भरे पड़े हैं जो भविष्य में भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा से महत्वपूर्ण होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे ओटेक पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट और ड्रिंकिंग वाटर के लिए और हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है स्रोत हिंद महासागर बन सकता है। और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भू राजनीतिक दृष्टि से प्राचीन काल से ही भारत भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। इस क्षेत्र में आधुनिक समय में कई बड़े युद्ध भी लड़े गए हैं, जैसे अरब इजराइल युद्ध, भारत पाक युद्ध, ईरान इराक युद्ध, काखाड़ी युद्ध। भारत पाक युद्ध जब बांग्लादेश के साथ हुआ था तो भी इसका यूज किया गया था। सामरिक महत्व को देखते हुए विश्व की महाशक्तियों ने अपने नियंत्रण के कई प्रयास किए हैं, जैसे 1968 में अमेरिका द्वारा डियागो गार्सिया पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना, अभी भी है उसका सैन्य अड्डा। चीन द्वारा कोको द्वीप पर तथा सेसेल्स द्वीप पर सैनिक गतिविधियां। अभी हाल ही के दिनों में चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर में, जो श्रीलंका में हम्बन टोटम, म्यांमार के सितवे जैसे बंदरगाह पे चीन द्वारा अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई, तो सितवे जैसे क्षेत्रों में आधुनिक बंदरगाह बनाने का पहल इस क्षेत्र में नियंत्रण की उच्च महत्वाकांक्षा को, और पर्ल स्ट्रिंग भी उसकी काफी महत्वाकांक्षी योजना है, भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है चीन। तो भारत के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है अपने विदेशी संबंधों को बनाए रखे और हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बनाए रखे, क्योंकि उससे उसका ट्रेड, उसका जियोपॉलिटिकल सिस्टम सारा प्रभावित होगा और चीन भारत को परेशान करने के सारे अड़ंगे हथकंडे अपनाता रहता है। भविष्य में यदि भारत को महाशक्ति बनना है तो इस क्षेत्र पर पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखना होगा। और इस समय भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इस तरह भारत के दायित्व तो होगा कि इस क्षेत्र में स्थित 1100 द्वीपों की सुरक्षा एवं विकास को देखें तथा स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरे। तो ये पूरा आपका 300-400 वर्डों में आंसर हो गया। आप इसको 125 शब्दों में भी परिवर्तित कर सकते हैं या आप इसे 200 शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस पे ऐसे भी पूछ सकता है तो आप ऐसे को भी लिख सकते हैं। मित्रों, ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आपको, इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और इस वीडियो पे हमें लाइक ज़रूर किया करें। हमारा इस पे टारगेट रहेगा कि आप हमें कम से कम 150 लाइक देंगे। मित्रों, अगर हमें कोई सुझाव देना हो आपको आपको हमें कोई सुझाव देना हो, हमारी टीम को कोई सुझाव देना हो, हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, हमारे जो भी मुख्य परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के कार्यक्रम है वो कैसे लगते हैं, तो हमें जरूर इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।